युगों के अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र गोद में पहुंचे हुए राजनीतिक आगू साहबान, धार्मिक जथेबंदियों के आगू साहबान, समुचे इलाके दे विचों सारे मोहतबर पंच सरपंच ते मेरे नौजवान बच्चों, सब तो पहला थोड़े चरणों के बिच फतेह की सांझ पाउना, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं गल का बड़ी शिशो पंज दे बिच सी, इंटरनेट बंद भी, मैं समागम रखता बैठा सिरे किवें लगूगा, पर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी मेहर सदका जो मेरे अपने खर्चे सी निर्मूल साहब तो होए और तुहाडे विशाल कठ ने मेरे पुत की आत्मा नू शांति दिती। अज सवेर दा जदों दा मैं उठा, कई बारी मन दे विच वराग आउंदा सीगा सवेर दा, इह वी जिद्दां मैं 25 साल पहला दी सुणा गल दसदा, मैं छोटे जिहे नूं स्कूल दाखल कराउण गया सी इक वार। जदों मैं दाखल करा के आया तां इह कहिंदा मैं पापा स्कूल नहीं जाणा, मैं इहनूं तोड़ के सुट्टिआ स्कूल चों, चौकीदार ने बाह फड़ी उत्तर लै गया तां मैनूं शुभदीप ने बहुत आवाजां मारियां, पापा मेरी गल सुन, पापा बहुत करके आवाजां मारियां, मैं जी इक ना सुनी, मैं वापसी अपनी बाइक पर आ गया। अज मैं कुछ उस तरह की फीलिंग फिर महसूस करता भी शायद मेरा पुत अकाल पुरख के चरणों जा रहा है, अज मैं आवाजा मारदा, अज मेरा पुत मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा। बड़ा भावुक समय, रही खूंदी कसर साड़िया जावर सरकार ने कढ़ती। पिछले दिन जदों की मैं एक पापी की वीडियो देखी जेल के विचों, सच जाण्यो इस तरह लगा भी जिस तरह पुत मेरा दुबारे चला गया होंगे। मैं सरकार नूं एक गल पुछनी चाहना, तू कितनी मस्तैदी वरतदे हैं, अमृतपाल फड़ना सी तू किसी दिन होर फड़ लेंदी, ये अज ही क्यों इंटरनेट बंद, अज ही क्यों बसा बंद, अज ही क्यों कि इस तरह आवाजा साड़ियां दब लेंगी। गुनाह किसी बंदे च भी हो सकता है, पर तू साड़ी आवाज दबण खातर इस तरह दी आवाजा ना कर, सानू इन्हें मजबूर ना करके सानू मियां बीबी नू जाके विधानसभा के गेट ते बैठना पवे। साड़ी मंग की है, असी मंगते की हाँ, असी केवल यही कहा भाई सानू आ बंदियां ते शक है, इन्हां ते फड़ के परचा दर्ज करो, सख्ती का पुछगिछ करो, किन्नी क गैर कानूनी मंग है हथ खड़े करके दसो गलत गल है। मैं नहीं कहता भी जोड़ा मैं नाम देता वह बिल्कुल सही है, तुसी इन्वेस्टिगेशन करो, मैनू तुहाडी सिट दे उत्ते 100% भरोसा है, जे तुहानूं कोई बंदा बेदोशा लगता छड़ दिओ, और इस दे लई तुसी 11 महीने टपा देंगे, ये साडा लोकतंत्र है। गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश ने निरोग धार्मिक प्रोग्राम, साडा इंटरनेट बंद है, वह जालम का जेल के इंटरनेट खुला, जिम्मेवारी किने लई गोदी नूं गिरफ्तार करनी है, गल्लां करदे अगले दिन सीएम साहब जी एक जिम्मेवार स्टेट दे एडा वड्डा उहदा, और दो पैसे का गैंगस्टर मूँह चढ़ाउंदा सरकार का, मैनू कौन गिरफ्तार कर लूँ, मैं गोली मार के मर सकदा, मैनू कोई फट नहीं सकता, सरकार साडी कहिंदी है भारत लाएंगे पकड़ के। कल वीडियो आती है, वीडियो के बिच शरेआम एक गुंडा जो अपने आप को नैशनलिस्ट दसदा है, जेल के बिच बह के वो वीडियो बनाई जाती है,
और कहिंदा सिद्धू मारिया, हामिद जी मारिया और सलमान खान को भी मारिया। थोड़ी सरकार ने कोई अजे तक कार्रवाई नहीं की, इंटरव्यू लैन आए तो कोई कार्रवाई नहीं की, और बैठा आराम के नाल और सरकार का मूंह चढ़ा रहे। आपां गल्लां काफी करनियां ने, ये रही गुंडे वाले का और वो नैशनलिस्ट बनाया जा रहा है। इत्थे आके मैनू, मैं बहुता सैना नहीं वीरो, एक मैं आम जिमीदार, पर मैनू समझ आउंदी है इत्थे आके भी मेरे मास्टरमाइंड क्यों नहीं फड़े जा रहे। एक एक 47 छे पिस्टलां यूएसए का असला, 33 बंदे इनवॉल्व और सारे बिना पैसे तू आ गए, सारे ने पैसे नहीं खातर काम किया। 6 बंदे मेरे पुत्र मारन वास्ते आए, उन्हां चो 5 मेरे पुत्र जानते नहीं भी सिद्धू आए कौन है, तो फिर वो भेजे कि ने मेरे आ सवाल दे, सारे सरकार को सवालों का जवाब दे दे। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने फाहे ला दो, मैं पता तुम सज़ा नहीं देनी किसी, पर मेरी लड़ाई मेरा चला गया वापस नहीं आना पुत्र। मैं लड़ता जेड़े ये बैठे ने इन्हां नाल भी इहोजी हरकतां करनगे, जे तुसीं मेरे पुत्र सच्ची श्रद्धांजलि चाहुंदे हो सानूं इस गल दे उत्ते ध्यान देना पऊगा। ये सरकारां आ सरकार तां आपां बिल्कुल पंजाब गहने करता, दिल्ली कोले तां मेरी गल मन लो, इन्हां कोले किसे मंत्री कोले ना सीएम कोले इन्नी पावर नहीं भी किसे गल उत्ते खुल के फैसला ले लैणा। आ जिहड़ा अज कल दा वर्तारा देखा है भी अमित शाह ने खापड़ा दिता बड़ा जी भी करला करला कुछ नहीं हुंदा, ये भी नहीं होना सी। पंजाब सरकार, पंजाब सरकार, मैनू पूरे 11 महीने हो गए, मैं इको हरेक एतवार मैनू आके जवान पुछदे आ, नौजवान बाहरों अंदरों सारे आके स्टैचू गलबकड़ी च लै लैके रोंदे आ सारे। मैं जवाब की देवां, ओ वीरो मैं एक साबका फौजी हाँ, मैं अपनी जिंदगी का ज़्यादा हिस्सा चाइना के बॉर्डर से कारगिल तो मैनस 30 डिग्री के मैं ड्यूटी की है। मैं अमित शाह को पूछना चाहना, मेरी देशभगती कलौरस की देशभगती, मेरे हथ करके मैं कंडे होकर फौज चुक कर आया, और नैशनलिस्ट लॉरेंस कहना मैं गौशाला खोलूंगा, वो गौशाला ना खोलो, एक यहोजी शाला खोलो जिथे इंसान सुख का सह ले लैन, बिना खौफ तो जिंदगी ज्यों लैन, यह जहा प्रबंध कर लो। कल मैं एक दिन MLA वेख्या सड़क तो रोड़े पासे करी जाता है, नाल वीडियो बनाई जाता, मैनू वेखण बड़ा लग्या, मैं क्या हूँ यह भी कहूँगा देशभगती वाला टैग जो मैनू रोड़े बहुत ने, जिंदगी दे राह जाने लई रोड़े ने, 150-200 रोड़ा जिहड़ा जिन्हां च बैठा हैगी हिम्मत करो साथ। कद तक असीं डर डर के टेंट पावांगे? आ वीरो मेरा गुआंढी पिंड है, 6 साल का मासूम बेरहमी दे नाल सिर च गोली मार के मारता, मैं घरे जाके आया वीरो सारा बेड़ा खून ना भरिया पिया, पाला चढ़ जाता वेख के कि इहो जे गुनाहगार गिरफ्तार करने चाहिए, हाथ खड़े करके दस्सो इहो जे गुनाहगार गिरफ्तार करके की करोंगे? 302 का परचा दे दोगे? लॉरेंस दी ब्रांचां जेलों के बैठी हैं, इंटरनेट की सहूलत मिलेगी, वो 14-15 बंदे का मौजूद रख लेंगे, उन्हें मुड़ के महत्तर धमात्र जिहड़ा पता जिहदी चंगी दुकान चलती है, जिहदी चंगी फैक्टरी चलती है, फिर उन्होंने खिलाफ वो फरौतियां मंगन लग जाएंगे, या किसी मार देंगे जिहड़ा बंदा नहीं मनूगा। साडा की रौला सी? वाले पुछते हैं असीं चाहुंदे की हाँ, साडी समस्या की है? वीरो मैं 5-7 किलों का जमींदार सी, मेरा जवाक पढ़ गया, कनेडा चला गया, उहदे कोले कुदरत दा आर्ट सी, मालक ने उन्हें सिर पर हाथ रखिया, वह कामयाब हो गया, परंतु वह दरिंदे जेडे दो शुरू के साडे नाकां वर ते ज्योति लगे हुए सी,
उन्हां तों असीं खहिड़ा छड़ाउण लग गए जदों साडे पल्ले कुछ ना पाया उन्हां ने। करोड़ रुपया साडा ज्योति खा गया, इत्थों विदेशां ने टूर साडे कमर खा गया सारे। तां मेरे पुत ने जदों पल्ला पंजवी ना पई उन्हें की किया, वह कहना डैडी इन्हां तों खहिड़ा छड़ाउणा पऊगा, आपका चैनल बना लिया सी, आपे लिखण लग गया, आपे गाउण लग गया, अपने चैनल ते पाउण लग गया। असीं कामयाब होए, सानू चार पैसे की आमदन आने लग गई। फिर कहिंदे शो ला के दिखाओ, कनेडा भर के दिखाओ, असी वह भी लड़े। मैं मेरे पुत नाल गनमैन बन के विचरिया 5 साल, असी कनेडा च भी शो लाए, दिल्ली च भी लाए। सानू बड़े माड़े बंदे साडे विच रहे जिहड़े आप ही फोन करवाउंदे हुंदे सी, आप ही साडियां लड़ाईआं, पर असी उस बड़ा थोड़ा मैं टाइम नहीं लैंदा, असी उस चीज़ चों निकल गए। मेरा पुत सुपर स्टार बनिया, दुनिया की चोटी की सैलीब्रिटी बनिया। शायद वह कित ना कि अपने आप को कमजोर मानता सी भी ये जेडे गुंडे ने इन्हां दीआं फौजां वड्डीआं ने, मैनू शायद पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए, मैनू शायद इधरों कुछ ना कुछ पावर मिल जाए। उन्हें पैसा उन्हें बहुत कमा लिया सी, ना उहदी अगे बहुती पैसा कमाउण दी इच्छा सी। नंबर दो ते मानसा जिले चो जदों उहदी एडमिशन होई, रिजर्वेशन दे कोटे दे तहत होई, उहदे मन दे विच एक केस सी भी थोड़ा जिहा मैं चार पैसे भी कमाउणा, और जे मैं पॉलिटिक्स नूं अपनावां इस फील्ड च आ के मैं इत्थों दी चंगी सेवा कर सकदा, मैं चंगे कॉलेज चंगे होस्टल इत्थे मैं लिया सकदा, इह सुपना सी मेरे बेटे दा। उह इस रस्ते ते आया, पर इलैक्शन तो बाद थोड़े जे असीं भी रिलैक्स हो गए। सानू मैनू भी यह गल लगी भी जदों इलैक्शन दे विच इन्ने झबेले च नहीं इहनूं मारिया किसी ने, पर हुण खैर सुख रही जाऊ, रहिंदी खुद इक असर सरकार ने कढ़ती। बलतेज पन्नू इहदा पता नहीं मैं की करजा देना सी, इहने उहदे जिउंदे दे खिलाफ भी पोस्टां पाईआं। इह 28 तरीक नूं सिक्योरिटी हटा लैण दी गल भी करदा, और जदों मेरा पुत नूं 5 बजे जवाहर के मार दिता जांदा, फिर वह मूसे वाले विवादित गायक दे गोलियां लगियां। मैं हर एक चीज़ के नाल इहनें विवादित गायक लिखने लग गए, किन्ना क विवादित गायक सी मेरा पुत्र यार, उहनें कदे गलत गाना नहीं गाया, उहनें पग दी गल कीती है, उहनें धी भैण दी गल कीती है, कदे कोई मैनू साडा 150-200 गाना इंटरनेट ते चलदा है कोई एक गाना कढ के दिखा दो जिहदे च किसे बच्ची दे खिलाफ किसे धी भैण दे खिलाफ एक शब्द भी बोलिया होवे, फिर वह भी विवादित गायक। मेरे पुत को AK-47 कितों आ गई, सारे परचे झूठे। फिर कलाकार कहते भी साडा नाम तुसीं कातों लैंदे हो, निर्भय तो रिप्लेस करन दे वास्ते साडे मानसा परचा दित्ता जांदा, ना मेरे पुत ने गाना लिखिया, ना उन्हें गाना गाया, ना उन्हें रिलीज किया, ना उसकी कमाई खाती, परचा मेरे पुत ने देता। और मैं कांग्रेस का सरपंच, कांग्रेस की सरकार, मैं थाने के 10 दिन वो लेलड़ियाँ कढ़िया, उदों तक मिन्नता करता रहा जब तक मैं बेहोश होकर डिग के हस्पताल नहीं गया। की करिए दसो, मन दुखी हो जाता, कदे ना कदे बोलना पैंदा। 5 उपरों थली जदों मेरे पुत की मौत होंदी है 6 परचे नाल लेके जांदा है, किसी एक परचे के बिच भी उहदा इन्ना गुनाह नहीं सी। आर्मज एक्ट उहदे उत्ते ला दित्ती जांदी है, 2-3 पत्रकार ने, 2-3 वकील ने जिन्होंने सहुं खा ली भी सिद्धू नूं बोलन नहीं देना, सिद्धू दा तां तवा लाउणा ही लाउणा। लै वीरो हुण तां शांत हो, हुण मेरा पुत चला गया, हुण तां कोई वैपन वाला गाना नहीं गाऊगा, हुण तां कितें रेप नहीं होगा। आ जिहड़ा सिर ते प्रोफेसर बोर्ड चक्की फिरदा सी, ओह हुण कित्थे आ तेरा बोर्ड, आ मेरे गौण दे विच मासूम दा सिर पाड़ता मार के फैर बसदा रस्ता घर पटता, कित्थे आ तेरा बोर्ड, हुण तूं पंजाब की यात्रा क्यों नहीं करता। मानसा जिला हॉटलाइन है इस टाइम उत्ते गैंगस्टरां दी, उप्पा पिंडां नाल गल झूठी होवे मैनूं कह दो कोई बंदा सरपंच खड़ा होकर दिखावे उस पिंड का। ये साडी ये अज इन्हां पिंडां दी हालत है, कल नूं विधानसभा दीआं टिकटां लाउंगे MLA भी उहदी मर्जी नाल बणगे, जिहड़ा दुहोरमा तटमात्र मेरे बगैर करवाई करूंगा गोली पुड़पड़ी च मारनगे। मैं हुण भी सरकार नूं भी इह गल दी चेतावनी दिंदा, हले भी समां हैगा, सांभ लो, जेलां दी सफाई कर दो, चंगे रहोगे, उज्जवल भविख की खातर जवाकों ने जिहड़े आ बैठे ने इन्हों ना मारो। गैंगस्टरवाद एक रुजगार बन गया, असी होर तो कोई पैदा नहीं कर सके, परंतु इधर चल पे सारे।
साड़ी एजुकेशन आईलैट्स रह गई है कल यूपीएससी का टेस्ट देना साड़ा पंजाब भुल गया 12,500 पिंड है जो उन्होंने और साढ़े शामिल किन्ने बच्चे होंगे टेस्ट के कुल 5,000 असी केवल लेबर बनना सोच लिया कला और मेरे पुत ने इस गल की सहु खाधी सी असी उत्थे जाके गुलामी क्यों करिए मैं थोड़ा इतने काम चला के दिखाऊंगा। उन्हें चंडीगढ़ होमलैंड छड़ के आपदे एक सधारण जे पिंड च रहना पसंद किया। शायद इन्होंने गलों की सानू सज़ा मिली। जे माहौल कारगर होंदा तां साडी मानसा दे विच तुसीं आउण वाले 5-7 सालां दे विच जिहड़े वड्डे सुधार होने सी शायद साडी इलाके की भी इस पक्षों किस्मत माड़ी सी भी असीं अपना हीरा सांभ नहीं सके। मैं हुण इतों ज़्यादा की कह सकदा जिहड़ी गल इंसाफ नूं लैके आ 11 महीने लगने वाली दे विच की गल सी। एड्डी वड्डी गल नहीं सी, सिंपल जी गल सी, सीधी जे पहले नहीं करके महीने दे विच विच ये गल निबड़दी सी। पर इहनूं लम्मा खिंचिया जा रहा है क्योंकि जिन्हां ने मैं नाम लैंदा वो सारे बंदे पावरफुल, वो किसी पक्षों भी दबण वाले नहीं। और जिहड़ा मेरे पुत ते पहला परचा दित्ता सी कैप्टन दा, वो असली जगदीप सिद्धू सी जिन्हें एक मेरे दोस्त नूं भी कहा समझा ला सलारू जी नूं उस्ताद तों माफ़ी मंग ले। मैं हुण भी पेश कर सकदा, दसो कि कसूर सी। केवल तो केवल ये गल कहती FIR दर्ज करके सानू भेजो, की गुनाह किया सी? इस गुनाह आही सी भी वह पुत मेरा सी, मेरी बैकग्राउंड नहीं सी वीरों, मैं एक सधारण फौजी सी कंडम, मैं बिगड़ा पूरा करने वाला बंदा सी। उन्हें मेरे घर जन्म ले लिया, काश वो किसी MLA मंत्री के घर जमया होंदा, मरदा नहीं सी। मेरी औकात छोटी सी, इन्हां दे हौसले पै गए मेरे घर तक वड़ गए, ये हाथ पा के देख होर किसी नूं। और सरकार साडियां लिलड़ियां कढ़दियां ने, वो असी अज जोगी नूं याद करन लग गए। मैं गरंटी करदा लोग सभा इलैक्शन होंगे तुसीं जोग जी इन्हां ते वोटां पाउण लई मजबूर हो जाओगे। तुसीं कहोगे यूपी साफ है, वो साधू की हो गया, असी किहड़े रस्ते ते पै गए। फिर कहोगे मुकाबले होंदे आ, आ हो गया वह हो गया, मगरों गल्लां करन वालियां रह जांदियां ने। हुण दसो जिहड़ियां आ मौतां होईआं इहनां दा की हल है? कल्ला 302 दा परचा गिरफ्तार कर लो, जेल भेजता, जस्टिस हो गया? उत्थे जाके इंटरनेट मिलदा, लॉरेंस मिल जू, जग्गू मिल जू, जां कोई होर मिल जू, इहनां दा कहिड़ा इक ग्रुप है? सो भावुक हो जांदा कई वारी, मैं वध घट बोल जांदा। सारे जिन्हें तुसी दूरों नेड़े हो पहुँचे हो, खास करके मैं SGPC के प्रधान साहब, धामी साहब, मैनेजर साहब दमदमा साहब, तलवंडी साहबों तो शायद रणवीर सिंह ने, मैनेजर साहब सारे का धन्यवाद करता जिन्होंने सानू लंगर दियाँ और प्रबंध दियाँ सेवाओं के अपना भरमा साथ दिता है। सारे आगू साहबान बख बख पार्टियों तो, बख बख यूनियन तो, बख बख जथेबंदियों तो सारे तुसी आए हो, मेरे नाल हमदर्दी जताई है, तुहाडा सारे दा तहे दिल तों धन्नवाद करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।